हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे होम मेड फेसियल, जिसके हम फेसियल कर सकते हैं उससे। ये है हमारा चावल का आटा, आप देख सकते हो। चावल का आटा हमारी बॉडी के लिए, स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है, हमारे चेहरे को ग्लोइंग बनाता है। और हल्दी तो कितनी अच्छी होती है ये तो आपको पता ही है। इसमें हम ऐड करेंगे टमाटर, देख सकते हो, टमाटर या नींबू, आप कुछ भी ऐड कर सकते हो। आप यहाँ से देख सकते हो टमाटर ऐड कर लिया हमने। इसके बाद एलोवेरा, एलोवेरा आपने देखा होगा हर साबुन क्रीम सर्फ में भी ये एलोवेरा यूज हो रहा है। सो एलोवेरा बहुत ही अच्छा है हमारे स्किन के लिए, बालों के लिए। इस तरीके से हम निकाल लेंगे। और आप होम मेड ऐसे ही एलोवेरा ही यूज करें, इसमें कोई भी केमिकल नहीं है, ये आप अपने घर पे आसानी से उगा सकते हो। ये हो गया, अब हम इसे मिक्स करेंगे। मिक्स करेंगे इस तरीके से। मिक्स करने के बाद आप देख सकते हो कि ये कैसा बन गया है। इसमें अगर हम थोड़ा सा पानी भी मिला सकते हैं, या आप रोज़ वाटर नहीं है तो इसे स्क्रिप करें या पानी मिला लें। फिर आपको ऐसे हाथों पे लगा लेना है, हाथों पे लगा लें आप जहाँ भी, चेहरे पे, हाथों पे। और देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हमारा काला होता है घुटने पे, तो मैं पैर के भी घुटने पे और हाथ के भी घुटने पे मैं लगा सकती, आप भी लगा सकते हो। इस तरीके से दोनों हाथों में हम लगा लेंगे। और जबकि आप लोग देखते हो कि मैं हमेशा वीडियो बनाती हूँ, सो हाथ रूखे हो जाते हैं, मैं हफ्ते में या 15 दिन में ऐसे करके बना लेती हूँ। फिर उसके बाद स्किन थोड़ी अच्छी हो जाती है, ये देख सकते हो आप। फिर एलोवेरा का जो टुकड़ा हमने कट करके निकाला था उसे हम फेंकेंगे नहीं, इस तरीके से उसे हम रफ़ करेंगे। इससे क्या होगा कि आपको अच्छे से एलोवेरा आपका इसमें मिक्स भी हो जाएगा और आपका मसाज भी हो जाएगा। यहाँ पे देख सकती हो खूब अच्छे तरीके से। और जैसे ये लंबे करके, जैसे कि हम हाथ पैर मलते हैं, ऐसे करके अच्छे से मालिश करेंगे। और ये जो हमने बताया कि यहाँ पे भी हमने लगाना ही था, सब अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और दोनों हाथों को मसाज देंगे। इससे क्या होगा कि बहुत ही जो हमारी गंदगी हो जाती है, हाथों पे गंदगी बैठ जाती है, वो अच्छे से निकल जाएगा। और जो यहाँ पे होता है थोड़ा सा काला काला, इसे भी हम ब्रश से, जो ब्रश हम करते हैं जो ख़राब हो जाता है ब्रश, फिर उससे किया उसको हम यूज कर लेंगे। इसके लिए बीच बीच के जो हल्के से डर्ट होते हैं उसे हम निकाल लेंगे। और आप देख सकते हो कि कैसे निकाल रहे हैं हम, ऐसे आप भी कर सकते हो। ज़्यादा टाइट ब्रश का इस्तेमाल ना करें क्योंकि चमड़ा छिल भी सकता है। फिर इसमें रोज़ वाटर या गुलाब डाल सकते हो, गुलाब नहीं है आपके पास तो रोज़ वाटर आप यूज कर सकते हो। फिर आप ऐसे धुल लें पूरी तरीके से, अच्छे से, ये प्रॉपर अच्छे तरीके से हम धुल लेंगे। हल्के से आप पानी गुनगुना भी कर सकते हो अगर आपकी स्किन को सूटेबल है तो, नहीं तो आप ठंडे पानी से ही इसका यूज कर सकते हो, कोई बात नहीं है। आप गर्म पानी भी इस्तेमाल कर सकते हो और ठंडे पानी भी। इस तरीके से देख सकते हो कि आपकी स्किन में कैसी लाइट आ रही है। ये यहाँ से बिल्कुल हम इस तरीके से